अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है 27 नवंबर, तो आज है मेरी अनु का बर्थडे, छोटी वाली बेटी का, तो उसी का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये बेटी वीडियो 27 नवंबर की, लेकिन ये मैं आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम चले थे और मुझे घर जाना था, तो उसकी तैयारी करी थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी। अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो ये आप वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। जोर से मजा कर ऐसे खाते थोड़ा थोड़ा खाया जाता गप। वही यहाँ पर हो गया था अनु का बर्थडे सेलिब्रेट, और ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह गिफ्टी में लगाकर सुमाइला और अलीशा ने इसको गिफ्टी बना के नहीं दिया था, तो बड़ी खुशी हो रही चॉकलेट देख कर, और छोटा सा प्यार सा जो गिफ्टी था। और तो फिर यहाँ पर है 29 नवंबर का दिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डोसा बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल को भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डोसा बनाऊँगी, क्योंकि कल 30 नवंबर है, तो कल 30 नवंबर को इनका भी बर्थडे आता है, तो इनका बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बस बच्चों के लिए कुछ अच्छे से बना के खिलाऊँगी बच्चों को। तो बच्चे बोले मम्मी कुछ अच्छे से बना के खिला देना पापा की बर्थडे पर, तो बस यहाँ पर मैं डोसा बनाऊँगी कल पापा इनकी पापा की बर्थडे पर बच्चों की 30 नवंबर को। तो बस इसी के लिए मैं यहाँ पर चावल और दाल भिगो रही हूँ, तो मैंने आधा कप मैंने उड़द की दाल ली है, और 1.5 कप मैंने चावल लिए, और 1 चम्मच मैंने मेथी का दाना लिया। इन तीनों को मैं भो के रख दूँगी रात भर के लिए, फिर सुबह उनको पीसूँगी। तो बस इनको पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उनका जो भी पाउडर होता है सफ़ेद वो निकल जाएगा, तो उनको अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर 2-3 बार पानी से मैंने धो लिया है इनको, और उसमें दूसरा पानी ऐड कर फिर रात भर के लिए सोख करके रख दूँगी। तो यहाँ हो गया सुबह का दिन, दूसरा नेक्स्ट दिन। तो यहाँ देखिए मैंने चावल रात में भिगो के रखे थे, तो ये अच्छे से फूल चुके हैं दाल और चावल दोनों, और पानी देखिए कितना कम हो चुका है। तो अब इनको मैं पीस लेती हूँ मिक्सर में, और अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखाने गई हूँ, देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है, तो यहाँ पर मशीन में पीस लेंगे इसको हम।
ये देखिए पिसके कितना अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया है चिकना का, और इसी तरह का तो पेस्ट है ये मुझे दानेदार, और ये उतना ही पिस पाएगा, से ज़्यादा नहीं पिस पाएगा मिक्सर में। और अगर चावल का आटा होता तो सही रहता है, नहीं अपन मिक्सी पीछेंगे तो ये दानेदार ही पिसेगा। और यहाँ पर मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, इसी तरह सारा दाल पीस लूँगी। और अब मैंने दाल पीस के रख दी है, और अब इसको दाल को भी अब मैं 12 घंटे तक ऐसे ही रख दूँगी इसको फूलने के लिए। और क्योंकि जितना इसको बैटर को रखेंगे जितनी देर तक उतनी अच्छे ज़्यादा बैटर डोसे बनेंगे। तो इसको मैंने दिन भर के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया है, और अब शाम का टाइम हो चुका है। तो अब शाम के टाइम मैं डोसे में लगाने के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ आलू की। और यहाँ पर मैं ये लगाने का टाइम भी हो गया, तो उनके लिए मैं चाय बनने रख दी एक साइड, और एक साइड में स्टफिंग तैयार कर रही हूँ आलू की डोसे के बारे में भरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू पहले ही उबलने रख दिए थे दिन में, तो आलू उबल कर मैं छील के फोड़ लिए हैं। और यहाँ पर एक ऑयल लिया है थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने हींग और राई और डाली है, इसके अंदर तड़काइए राई को, और उसमें मैं थोड़ी सी दो हरी मिर्ची कट करके डाली है, और जो कड़ी पत्ता है वो डाला है मैंने, और उसको तड़का के अच्छे से फिर मैं प्याज डालूँगी। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता भी अच्छे से तड़क गया है, और उसमें मैं प्याज ऐड कर देती हूँ, और प्याज को भी अच्छे से फ्राई करूँ। मतलब अच्छे से नहीं, इसको ज़्यादा प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी पकाना है प्याज को, और ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन नहीं करना है, लाल नहीं करना है प्याज को, बस अच्छी सी कच्ची आधी कच्ची रखना है प्याज। फिर इसके बाद अब मैंने इसमें के अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, मैंने इसको बारीक चॉप करके रखा हुआ था टमाटरों को, और वो ऐड कर दिए मैंने अब, और उनको भी अच्छे से पकाएंगे टमाटर को। और इसमें ही मैंने नमक डाल दिया है, जिससे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे नमक के साथ, नमक को नमक डालने से टमाटर वाला जल्दी गल जाता है। और यहाँ पर डाल दिए मैंने हल्दी, और सभी को मैंने अच्छे से भून लिया है, और अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैंने डाल दिया है आलू, वो इसके अंदर आलू को डाल दिए फोड़ के, अच्छे से मैंने उनको फोड़ लिए थे, मसल लिए थे आलूओं को, और उनको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब उनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और सारे भुर्ते को आलू के भुर्ते को भूनना है इसके अंदर ऑयल में, कम से कम 5 मिनट तक भूनना है, और जिससे अच्छे सब कुछ मिल जाए, और ये भी अच्छे से भून जाए आलू। और ये देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया कट कर कर, और इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। और फिर इनको सबको अच्छे से और मिक्स करके, और ये देख तैयार हो गया है मेरा भुर्ता डोसे का स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो अब इसको एक साइड रख देंगे, और अब मैं बनाऊँगी सांभर। तो यहाँ पर सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तुअर की दाल ली है और आधी कटोरी, और उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भो के रख दिया था। तो देखिए अच्छे से ये फूल गई है, अब मैं इसको उबलने के लिए दूँगी, सीटी लगाने के लिए 2-3 सीटी लगाऊंगी, फिर ये दाल पक जाएगी। और मेरी दाल भी पक चुकी है, और यहाँ पर मैं अब सांभर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सांभर बनाने के लिए मैं सबसे पहले तेल लिया, और उसमें मैंने राई और 2-3 कड़ी मिर्ची डाली है, उनको तड़काया, उसके बाद मैंने प्याज ऐड करिए, और प्याज को भी अच्छे से ब्राउन करके भूनना है। तो बस उसको मैं भून रही हूँ प्याज को, और सब्जियाँ मैंने सारी कट करके रख दी थी। और ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है, इस तरीके से दाल चाहिए, ज़्यादा घुली हुई दाल नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी, और यहाँ पर मैंने अब सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। और सब्जियाँ मैंने ली है गोभी, सेम की फलियाँ और लौकी, ये 2-3 सब्जी मेरे पास थी, तो वही मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी। और सब्जियों को भी अच्छे से पकाया मैंने, फ्राई कराए, फिर उसके बाद मैंने टमाटर ऐड करे, टमाटर ऐड करने के लिए उनको भी अच्छे से पकाना है टमाटर को सब्ज़ी के साथ, सब्जी और टमाटर सब एक साथ पकते रहेंगे। और इसके संग मैं वो भी डाल दूँगी नमक और हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है, और अब मैं मिर्ची डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच, और हल्दी नमक मिर्ची डालकर इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है इसके अंदर, भून लेना है। तो बस यहाँ पर इनके भूनने के बाद अच्छे से सब्ज़ी को पकाना है, और सब्ज़ी को मैं ना इसलिए इसमें ही पका देती हूँ, वैसे सब्ज़ी को उबाल भी सकते हैं, उबाल के ही पका सकते हैं, लेकिन मैंने उबाली नहीं है सब्ज़ियों को, कोई फ्राई करते करते ही सब्ज़ी पक जाती है आधी, और ज़्यादा पकाना नहीं है सब्ज़ी को, खड़ी खड़ी होती है ना सांभर में तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं इनको इसी तरीके से फ्राई करके पका लूँगी सब्ज़ी को। तो देखिए आधी सब्ज़ी पक चुकी है, मुरझा गई है, तो हमें इसमें अंदर सांभर का 1-1.5 चम्मच सांभर डाल दिया है, इसमें मैंने सांभर पाउडर मसाला वो ऐड कर दिया है, और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसी तरह पकाती जाऊँगी सब्ज़ियों को। थोड़ा बीच बीच में ढक दीजिए आप, तो सब्ज़ियाँ आपकी और पक जाएंगी अच्छे से। और सब्ज़ी इस तरह से पक गई है देखिए मेरी अच्छे से, थोड़ी थोड़ी ज़्यादातर अच्छी सब्ज़ी पक चुकी है। और इसमें मैंने इमली का पानी डाला है इसके अंदर, मैंने भू के रखा था इमली को मैंने, तो यहाँ इमली का पानी ऐड कर दिया है, और फिर थोड़ी देर और पकाऊँगी, फिर इसके अंदर मैं बाद में दाल जो मैंने पका के रखी वो ऐड करूँगी।
तो यहाँ सब्ज़ियाँ मेरी अच्छे से पक चुकी हैं, भून चुकी है। और यहाँ पर जो मेरी दाल उबली रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर लिया। और आपको जिस तरीके का सांभर चाहिए, पतला गाढ़ा, उस तरीके से आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए। तो मुझे मैंने इसके अंदर पानी भी और ऐड कर दिया है, मेरा जितनी दाल थी उससे ज़्यादा मैंने और पानी रखा हुआ है डाला इसके अंदर। और दो तीन मैंने खड़ी प्याज के टुकड़े डाल दिए, इससे अच्छा लगता है, टेस्ट आएगा प्याज से इसका। और मैंने और पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, कोई दाल और पकेगी और सब्ज़ी और पकेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डालकर उसको ढक कर रख दिया पकने के लिए। और देखिए यहाँ पर मैं दो तीन मिनट पकाई दाल और सांभर, और ये देखिए बनके तैयार हो गया मेरा सांभर। उसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए सांभर बनके रेडी है। तो अब बारी है डोसा बनाने की। तो ये डोसा का देखिए बैटर तैयार है, और देखिए ना अभी मैंने इसको अभी खोल के देखा, सुबह से रखा हुआ था ये पूरा, तो ये काफ़ी अभी गाढ़ा है, तो इसके मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी इससे थोड़ा सा और ये हो जाए पतला। इस तरीके से पतला करूँगी, ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, मीडियम रखना है इसको। और इसमें मैं एक चम्मच नमक डाल दूँगी आवश्यकता अनुसार, और उसको अच्छे से फिर घोल लूँगी और बस इस तरीके से रखूँगी इसका घोल कि अच्छे से इसमें डोसा बन जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना पतला करना है बिल्कुल, कि अच्छे से फैल जाए। और देखिए इस तरीके चम्मच से लेके अपन नीचे इसको डालेंगे तो चम्मच पे थोड़ा थोड़ा बैटर लगा रहे, इस तरीके की पहचान हो जाती है कि हाँ आप सही रेडी है बैटर डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा ले लिया है, लेकिन इसकी पॉलिश चली गई है सारी, तो मैंने इसके साथ, और फिर भी इस पर डोसे बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने एक कटोरी में थोड़ा पानी और थोड़ा ऑयल का पानी ले लिया है, और उस तवे पर मैंने छिड़क दिया है जिससे तवा ठंडा हो जाए। और फिर इसको मैं सूती कपड़े साफ़ कर दिए तवे पानी को, और फिर मैंने डोसे का बैटर इस पर मैंने हल्की हल्की हाथ से एक चम्मच फैला दिया है। देखिए इस तरीके से आप आराम से फैला सकते हो, और बस इसको आप आराम से सेकने के लिए छोड़ देना है जब तक ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा लाल लाल ब्राउन सा दिखना ना लगे, तो बस ये सेक जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है जिससे अच्छे सेक जाए और ऊपर से भी। तो बस दो मिनट अपन को वेट करना पड़ेगा, और ये देखिए डोसा सेकने लगेगा, और देखिए हल्का हल्का ये ऊपर से सिकने दिखने लगा है, तो ये सिकने लगा है देखिए। तो बस अब इस पर अपन भरता, जो अपन ने इसकी भरता बनाया था आलू का, वो लगा देंगे मसाला, आलू मसाला बनाया था वो लगा देंगे इसके अंदर, और इसको बस करेची से निकाल कर वो पलट देंगे। तो देखिए कितने अच्छे डोसे बनेंगे अभी आप देखना, और इतनी अच्छी क्रिस्पी डोसे बनती थी, बच्चों को मैं गरम गरम देती आ रही थी, बच्चों ने मुझे वीडियो भी नहीं बनाई थी सही से, और बस खाने में लग गए गरम गरम, बस मम्मी दे दीजिए आप सर्व कर दिए, हम जी हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। और बस बच्चे इतनी क्रिस्पी बन रहे थे ना डोसे, बहुत अच्छे। तो बस बच्चों की आज भी पार्टी हो गई और परसों भी पार्टी हो गई थी बच्चों की, तो इसी तरह से एक महीने में दो बर्थडे आए, तो बच्चों की दो पार्टियाँ हो गई बच्चों की। पहले समानू की बर्थडे पार्टी थी और आज पापा की बर्थडे पार्टी हो गई है, वो भी डोसे वाली, पापा ने तो डोसे वाली पार्टी दे दी बच्चों को। तो बस मैं गर्म गर्म यहाँ सेकती जा रही हूँ, और बच्चे एंजॉय करते जा रहे हैं डोसे के, और बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मम्मी बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने थे, बिल्कुल करारे करारे बने थे गर्म गर्म। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, और देखिए मैंने प्लेट लगा दी थी बच्चों, बच्चे सर्व करके खा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड करूँगी, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताना कमेंट करके, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।